କୋଣରେ ବର୍ଷାର ରାଜୁତି। ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ଧରି ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଘରେ ପଶିଛି ପାଣି, ସଡ଼କ ପାଲଟିଛି ସମୁଦ୍ର। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗମନାଗମନରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ। ମୁମ୍ବାଇର 7ଟି ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ବିହାର ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ମିଠି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୁଣେରେ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଛି। ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। इरिगेशन डिपार्टमेंट के यहाँ से कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और खड़कवासला धरण से पानी छोड़ा गया था। सुबह 3 बजे हमें पता चला पानी भर रहा है। उसके बाद हम लोग जब यहाँ आए तो पूरी अफरा तफरी मची हुई थी। सब लोग घबराए हुए थे, सब लोग गाड़ियाँ निकाल रहे थे, कुछ बच्चे भी थे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अभी सबको घर से बाहर निकाला है, दूसरी जगह शिफ्ट किया है। पूरा घर में सामान मेहमान नीचे गिर गए पानी की वजह से, पूरा नुकसान है। प्रशासन ने कुछ पहले से बताया नहीं, इसलिए ज्यादा ये गड़बड़ हो गए। कोई जानकारी नहीं, हर साल बताते थोड़ा बढ़ने वाला है, कुछ होने। इस बार कुछ नींद में थे, 3:30-4 बजे से पानी का थोड़ा फ्लो बढ़ते रहा। हाँ, यहाँ अभी 5-6 साल के बाद पानी आया है और खड़कवासला से जो विसर्ग छोड़ा है उसकी वजह से यहाँ पानी आया है। अभी हम यहाँ के स्थानीय रहवासी है तो हमने मदद के लिए, पिछले बार एक ग्रिल तोड़ने के लिए कुछ नहीं था तो अभी हमने अपना हथौड़ा लाया है। अभी ऊपर से कम 50 से 60 हजार क्यूसेस छोड़ा है और छोड़ने की कोशिश में है वो, लेकिन पहले लोगों को खाली करेंगे। पानी घेर रे गुजरात सुधुरुनी बन्या स्थिति। तलिया अंचल रास्ता घाट घर द्वार बुड़ी रही। रास्त लहड़ी भांगुची बन्या पानी, केउठी अंटाए तो आउ केउठी आंठुए उच्चर पानी बहुची। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଠାକାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅତି କମ୍ରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 800ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଭାଦଦୋରା, ସୁରଟ, ଭରୁଚ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। उसका लेवल 40,000 क्यूसेक से ऊपर जा चुका है क्योंकि फ्री कैचमेंट में भी बहुत बारिश है और कंटिन्यूअसली नेक्स्ट 24 आवर्स हम लोगों ने पूरा रेड अलर्ट जारी किया है इन एरियाज में। तो इन एरियाज में जितने भी स्कूल्स हैं उन लोगों को हम स्कूल कॉलेज को हमने छुट्टी डिक्लेयर कर दी है और नेक्स्ट 48 आवर्स वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। ये सर्वे चालू है, साथ ही साथ इनके घर में नुकसान हुआ है चीजों का उसका भी सर्वे किया जा रहा है और जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से सभी किसानों को और ग्रामीणजनों को सहायता प्रदान की जाएगी। जो लोग फूड और वो सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे फायर की जो बोट है वो बोट का उपयोग किया जा रहा है और लोगों को अपील भी की जा रही है कि कोई भी अनसेफ एरिया में ना रहे और तुरंत हमारा संपर्क करें। पानीपाग विभाग अनुसार आज भी मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में प्रबल वर्षा होगा संभावना रही। मुंबई को येलो अलर्ट, पालघर और रायगढ़ पर ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाई छी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।